गाइस आज मैं बताने वाला हूँ माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के लिए तीन कमाल के शेडर जिनको लगाने के बाद तुम्हारा गेम भी कुछ ऐसा हो जाएगा। तो वेट भाई, ये गलत वाली फोटो है गाइस, ऐसा नहीं, ऐसा हो जाएगा। एंड भाई जो लास्ट वाला है वो कोई शेडर नहीं है, वो एक पैक है जो तुम लोगों के बहुत ज्यादा काम आने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो भाई अपना पहला वाला शेडर है DSL शेडर। आई नो कि BSL की सस्ती कॉपी है बट काम चला लेंगे। तो भाई देखो इस वाले शेडर के अंदर भाई देखो तुम्हें यहाँ पे जैसे ग्रास की मूवमेंट देखने को मिल जाती है जो कि तुम्हारी गेम के लुक को और भी ज्यादा रियलिस्टिक बना है। भाई तुम लोग भाई देख ही सकते हो कि इस शेडर के अंदर भाई इन लोगों ने शेडो को भाई कितना ज्यादा अच्छे तरीके से मेंटेन किया है। देखो भाई ये जो गाय खड़ी है मेरे सामने कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है। फिर भाई मैं पर्सपेक्टिव चेंज करता हूँ। ऑलराइट, तो भाई देखो अभी भाई तुम यहाँ पे देख सकते हो भाई कितना ज्यादा प्यार लग रहा है। एंड भाई ये पॉकेट एडिशन है क्या तुम्हें नहीं पता? अरे भाई क्या कर रहे हो, जाके ये वाली वीडियो देखो ना भाई। इस वीडियो के अंदर भाई मैंने बताया था कि आप लोगों ने पॉकेट एडिशन के अंदर भाई ये ऑप्टिफाइन जूम को कैसे एक्टिवेट कर सकते हो एंड इसको यूज कर सकते हो। तो भाई उस वाली वीडियो करेंगे भाई मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वीडियो के एंड में उसको जाकर के देख लेना, तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आएगी। तो भाई इस शेडर के अंदर भाई तुम्हें जो है भाई लीव्स की मूवमेंट भी देखने को मिल जाती है एंड भाई इसकी मदद से भाई तुम्हारा गेम थोड़ा बहुत लैग कर सकता है। बाय द वे मेरा गेम तो भाई एकदम स्मूथ चल रहा है, बिल्कुल भाई कोई भी लैग देखने को नहीं मिल रहा है, बट अब एक बार चेक कर लेना। तो भाई अभी बात कर लेते हैं भाई इसके वोटर की। तो भाई देखो वोटर के अंदर भाई तुम्हें देखो कुछ इस प्रकार की भाई मूवमेंट देखने को मिल जाती है एंड भाई देखो बहुत ज्यादा भाई रियलिस्टिक लग रहा है वोटर। एंड या भाई ये शेडर भाई मेरे को बहुत ज्यादा पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। एंड एक बार अंदर जाके भी देख लेते हैं। एंड भाई देखो भाई अंदर भाई तुम्हें थोड़ा थोड़ा ब्लर देखने को मिल जाएगा बट ऐसा नहीं है कि भाई कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। भाई अगर ऊपर से देखते हैं तो भाई तुम्हें एकदम क्रिस्टल क्लियर लुक मिलता है। तो या भाई ये था अपना पहला वाला शेडर, अभी भाई पढ़ते हैं अपने अगले वाले शेडर की तरफ। तो भाई अपना सेकंड वाला शेडर आ जाता है भाई क्रेडी शेडर। एंड भाई देखो ये है भाई अपने सेकंड वाले शेडर की लुक। एंड भाई देखो भाई कितना ज्यादा ऑसम लग रहा है। हाँ भाई तुम इसके अंदर भाई हल्की हल्की फोक देखने को मिल जाएगी पर भाई शेडर भाई एकदम ओपी लेवल का है एंड रियलिस्टिक भी है बहुत ज्यादा। एंड भाई देखो रेंडर डैगन में भाई इससे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करा जा सकता। एंड भाई देखो इसके अंदर भाई तुम्हें अभी ग्रास की मूवमेंट देखने को मिल जाएगी। बात कर स्काई की तो भाई देखो स्काई तुम्हें यहाँ पे कुछ ऐसा रियलिस्टिक वाला स्काई देखने को मिलता है जो कि भाई इसकी बहुत ज्यादा अच्छी बात है। एंड थोड़ा फोक है भाई शेडर के अंदर। एंड भाई सिमिलरली भाई इस शेडर के अंदर भाई आपको लीव्स की मूवमेंट देखने को मिल जाएगी। हाँ भाई उस वाले शेडर से डिफरेंट मूवमेंट है बट एकदम भाई नेक्स्ट लेवल मूवमेंट है। एंड भाई अगर बात करें भाई इसके वोटर की तो भाई देखो वोटर ने तो भाई एकदम मतलब एक तरीके से भाई मूड फ्रेश कर दिया क्योंकि देखो ऊपर से भाई ऐसा है एंड अगर भाई अंदर जाएंगे तो भाई देखो एकदम क्रिस्टल क्लियर। मतलब भाई एक चीज भाई अगर पानी में सुई भी गिर गई ना तो भाई तुम उसे भी ढूंढ सकते हो। सुई तो भाई है ही नहीं माइनक्राफ्ट के अंदर बट एनीवेज भाई पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर है एंड भाई मतलब मस्त है भाई। ऊपर से तुम्हें कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं देगा बट भाई जब तुम अंदर आओगे तो भाई तुम एकदम सब कुछ दिखाई देगा। मतलब भाई तुम अगर सीक्रेट चैम्बर बनाना चाहते हो अंदर की तरफ में तो भाई तुम बना सकते हो भाई, कुछ भी डर नहीं है ऊपर से क्योंकि भाई किसी को पता ही नहीं चलने वाला। एंड भाई अंदर आने के बाद सब कुछ भाई तुम्हें दिखाई देता है। तो भाई देखो ये था अपना सेकंड वाला शेडर। भाई अभी बढ़ते हैं अपने थर्ड वाले पैक की तरफ। तो भाई थर्ड वाले पैक के लिए भाई तुम्हें करना क्या है, भाई ये वाला एक पैक है इसको तुम्हें एक्टिवेट कर देना है वर्ल्ड के अंदर। एंड भाई तुम जैसे भाई वर्ल्ड के अंदर आओगे तो भाई देखो अभी तुम भाई कुछ भी यहाँ पर डिफरेंस भाई तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। भाई तुम कहोगे यार कुछ भी नहीं है भाई, क्या शेडर है क्या पैक है। बट जब भाई तुम यहाँ नीचे की तरफ में आओगे एंड भाई तुम यार यहाँ पर कोई ब्लॉक तोड़ोगे तो देख रहे हो भाई बूम, मतलब भाई तुम यहाँ पे कोई भी पार्टिकल यहाँ पे नजर नहीं आएंगे। एंड भाई इसका नाम ही पार्टिकल डिसेबल है। एंड भाई देखो ये वाला जो पैक है भाई ये उन बंदों के लिए है भाई जिनके पास मतलब थोड़ा लो एंड डिवाइस है, उनके गेम के अंदर भाई माइनक्राफ्ट लैग करती है तो ये भाई उनके लिए है। एंड भाई अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है तो देखो भाई मैं यहाँ पे कोई भी मतलब एक तरीके से पोशन ले लेता हूँ। ठीक है भाई मैंने वाले स्प्लैश पोशन ले लिए हैं। ठीक है एंड अभी भाई यहाँ पे भाई मैं लेता हूँ TNT। ऑल राइट तो यहाँ पे मैंने लिया TNT। एंड भाई यहाँ पे मैं फ्लिंट भी ले लेता हूँ क्योंकि भाई उसकी भी ज़रूरत है फिलहाल। ऑल राइट तो भाई ये रफ लेंट एंड ओ राइट हो चुका है भाई। तो भाई देखो अभी भाई जैसे भाई मैं पोशन डालता हूँ देख रहे हो भाई पार्टिकल है ही नहीं। एंड भाई देखो जो भाई 2GB रैम वाले बंदे हैं 3GB रैम वाले बंदे हैं उनके डिवाइस में लैग करता है भाई लैग के। अब तो भाई प्रॉब्लम एकदम छोड़ दो, लैग भाई करेगा ही नहीं। एंड देख रहे हो भाई TNT से भाई देखो कोई भी पार्टिकल नहीं निकले भाई, जैसे मतलब निकलते हैं पार्टिकल थोड़े बहुत नहीं निकले। एंड भाई देखो अभी एक सेटिंग भी है जो कि मैं तुम्हें बताने वाला हूँ जिसको भाई अगर तुम कर ले तो उसके बाद तो भाई देखो तुम्हारा गेम बिल्कुल भी लैग ही नहीं करने वाला। तो वेट भाई मैं तुम बताता हूँ तुम्हें करना क्या है। तो भाई देखो सबसे पहले भाई तुम्हें यहाँ पर जाना भी सेटिंग के अंदर। तो भाई सेटिंग में आने के बाद भाई तुम्हें यहाँ पे चले जाना है वीडियो वाले सेक्शन में। भाई तुम जैसे यहाँ पे जाओगे तो भाई तुम्हें यहाँ पे नीचे की तरफ में आ जाना है। एंड नीचे की तरफ में भाई तुम्हें यहाँ पे फैंसी ग्राफिक्स स्मूथ लाइटिंग एंड ब्यूटीफुल स्काइज भाई तुम्हें इनको तीनों को ही ऑफ कर देना है, ये ऑन होंगे। एंड भाई जो रेंडर डिस्टेंस चंक है भाई ये तुम्हारे यहाँ पे फुल भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं, तुम्हें उसको भाई सबसे नीचे कर देना है 5 पर एंड बस। अब भाई देखो तुम जैसे भी यहाँ पे अपने वर्ल्ड के अंदर आते हो एंड भाई देखो तुम्हें भाई वर्ल्ड मतलब थोड़ा बहुत ऐसे लगेगा मतलब शेडो वेडो थोड़ी कम हो चुके हैं बट भाई अभी भाई तुम्हारे गेम को लैग टच भी नहीं कर सकता। वेट अ सेकंड भाई मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज दिखाता हूँ।